वेलकम अगेन, और श्वेता मैम, वही पुरानी वाली श्वेता मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वाली, एंड आई एम बैक हियर टू शेयर अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको एनटीए ने दिया है, दैट इज 640 प्लस आप इजिली स्कोर कर सकते हो। तो कहो कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, आप हमें झूठ मूठ के सपने दिखा रही हो, है ना, बातें तो यही चल रही होंगी दिमाग में। मैं सच में बता रही हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी स्मार्ट स्ट्रेटजी रखते हो, थोड़ी सी भी स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, तो एनटीए ने आपके लिए पेपर ज़्यादा इजी कर दिया है। हाँ, थोड़ी बात ये है कि ये स्मार्ट स्ट्रेटजी जो नहीं रखेंगे उनके लिए पेपर हार्ड होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रीड करने के लिए, चूज करने के लिए आपका टाइम तो लगने वाला है। देन व्हाट विल यू डू, क्या करोगे, कुछ सोचा है क्या? तो चलो मैं आई हूँ आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़े से स्मार्ट हो जाओ और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। हाउ कैन यू सेव योर टाइम? तो कैसे टाइम सेव करोगे, कैसे आप 640 प्लस अटेम्प्ट करने वाले हो, तो ये जो है पूरा का पूरा डिटेल कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। यू कैन सी सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35, सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी एंड जियोलॉजी में भी। चाहे वो क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, सबके लिए मार्किंग सेम है, ठीक है। चलो अब हम जो एनालिसिस करके आए हैं आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए है ना, यूनिवर्सली नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यू कैन सी फिजिक्स में भी 35 सेक्शन ए के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी 35, बॉटनी में भी 35 एंड जियोलॉजी में भी 35 क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इट इज अबाउट 140 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का जो नेचर होने वाला है दैट इज ये होने वाले हैं या तो ये इजी होंगे या तो मॉडरेट लेवल के होंगे, है ना। आपको क्या करना है, जहां क्वेश्चंस इजी होता है नेगेटिव होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हो जाता है ना, बच्चे क्या करते हैं वहां दिमाग ज्यादा लगाते हैं। तो डोंट डू सिली मिस्टेक्स, डोंट बी सो ओवरथिंक, कभी भी ओवर थिंकिंग मत करो उन क्वेश्चंस के ऊपर। ये इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कैसे? सबसे पहले आपको कामली अटेम्प्ट करना है इसको, है ना, बहुत ही पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करना है। और जो भी आप सिली मिस्टेक्स करने वाले हो उनको अवॉइड करोगे, है ना। सिली मिस्टेक्स आप क्या क्या करते हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अनदर वीडियो में। बात करते हैं OMR सीट फिलिंग की, है ना। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि जब आप सेक्शन ए को कंप्लीट करते हो तो आई विल टेल यू, कहो कि मैम सबसे पहले कौन सा करें, जूलॉजी करें, बॉटनी करें, केमिस्ट्री करें, फिजिक्स करें, तो जो आपको सबसे प्यारा सब्जेक्ट लगता है, जिस पे आपको लगता है कि ये मेरी जान है, मैं तो बस उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करती। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो जूलॉजी से स्टार्ट करती, है ना। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपका बायो फेवरेट होने वाला है, तो यस गो फॉर दैट, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे ना कि नहीं बायो का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले बायो के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 100 क्वेश्चन देखेंगे भाई वहां पे। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग। यू ओनली आर गोइंग टू अटेम्प्ट द सेक्शन ए, सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे। कहो कि मैम क्यों, इसका भी कारण मैं बताने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जो भी आपका फेवरेट हो, गो फॉर दैट इजिली, कामली और पेशेंटली, अच्छे से आप उसको क्या करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। कहो मैम OMR फिलिंग की बात, तुरंत के तुरंत कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा फिलिंग की, क्वेश्चन देखा फिलिंग की, एक बार में दो काम नहीं करते, नहीं करते, डोंट डू दिस, समटाइम्स इट हैपन, है ना। आप क्या करते हो, बायोलॉजी वाला सेक्शन फिजिक्स में, फिजिक्स वाला सेक्शन बायोलॉजी में, OMR सीट फिल कर देते हो, डोंट डू दैट। आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना है, पहले क्या करना है, एक पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लो, या फिर जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए 35 क्वेश्चंस, उसके बाद OMR सीट फिल कर लो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सेक्शन ए के सारे सब्जेक्ट वाइज OMR सीट फिल कर ली, है ना। क्योंकि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सेक्शन बी में जाने से पहले सेक्शन ए क्यों? तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने जैसा कि आपको बताया है कि दैट इज 140 क्वेश्चंस, अगर 140 क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू, और देयर इज चांसेस कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, इनकरेक्ट होने के तो चांसेस ही नहीं, अगर ऑनेस्टली आपने तैयारी की है ना। तो आई कैन से यू ये 140 क्वेश्चंस डेफिनेटली आउट ऑफ 140 You are going to do correct 140 definitely। कहो मैम आप झूठ बोल रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रही, ईमानदारी से आप पिछले साल का रिजल्ट देखो भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं
100 out of 100% मार्क्स लेकर के टॉप रैंकर बने हैं। तो जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो भाई। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये वाला सेक्शन आपको हाथ में रखना है। पर कहो कि मैम क्या ये सेक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। दिस सेक्शन इज डेफिनेटली इजी एंड मॉडरेट, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सिलेक्शन। बिकॉज अगर मान लो सारे क्वेश्चन करेक्ट भी हो जाते हैं तो नंबर ऑफ मार्क्स आपके कितने होंगे? 140 into 4। मान लो सारे करेक्ट हो गए, देन इट विल गिव यू 560 मार्क्स। चलो भाई, अगर ये इजी क्वेश्चन हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, एवरेज लेवल के क्वेश्चन हैं, जो हर बच्चे को आता है, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो माइंड का जो लेवल होगा ना, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। आपको थकान फील नहीं होगी, आपको लगा कि यार हमने ये किया। अगर मान लो अगर यही चीज आप सेक्शन ए के साथ साथ सेक्शन बी को भी अटेम्प्ट लोगे, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन किस नेचर के होने वाले हैं? इजी के साथ उसमें कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे भाई, वहां पे लैंग्वेज में कंफ्यूजन भी होगा, कुछ क्या होंगे भाई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपकी मेंटल एक्सरसाइज काफी बढ़ जाएगी, आप थक जाओगे, और थकने के बाद क्या होगा, आगे के जो सिली क्वेश्चन हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो इजी क्वेश्चन हैं, उनको अटेम्प्ट करते टाइम भी आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, और यू विल डू मोर एंड मोर सिली मिस्टेक्स। देन इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन ए के जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। पहले भी जब पीएमटी की तैयारी करते थे बच्चे और नीट की तैयारी करते थे, मैं उनको हमेशा कहती थी कि दो स्लॉट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। वहां पे क्या था, क्वेश्चन स्कैटर्ड होते थे, कुछ सिंपल हैं, उसके बाद कुछ हार्ड हैं, कुछ सिंपल हैं, कुछ हार्ड हैं, तो बच्चों को खुद के दिमाग से उनको सेग्रीगेट करना पड़ता था। एनटीए ने वो काम भी आसान कर दिया है। आई थिंक ये क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, सीधे सीधे इजी होंगे, मॉडरेट होंगे, आपको छांटने की जरूरत नहीं है। आप इसको करने के बाद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, दिमाग आपका ज़्यादा काम करेगा, और आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने वाले हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंस के टाइम पे अगर आप काम करना चालू करते हो, तब वहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी वहाँ पे इंक्रीज होगी। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, वंस अगेन, सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू फिल अप द ओएमआर सीट वेरी करेक्टली, वेरी एक्यूरेटली। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इन सारे क्वेश्चंस के ओएमआर सीट। बचे कितने क्वेश्चंस? आपको ओनली 10, 10, 10, 40 क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना है। 560 मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया है ना। हाँ, कोशिश करनी यहाँ निगेटिव ना हो, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ निगेटिव नहीं करने के चांसेस। मान लो आपने 10 निगेटिव कर लिए, 20 निगेटिव कर लिए, तब तो सिलेक्शन की बात ही नहीं हो सकती, फिर इधर भी जाने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो 5 भी निगेटिव हो गए, मान लो सपोज दैट 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ पे निगेटिव हो गए, तो क्या हो जाएगा भाई, कितने मार्क्स डाउन चले जाओगे? 10 निगेटिव तो भाई 50 मार्क्स नीचे, 5 नेगेटिव तो 25 मार्क्स नीचे चले जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सिलेक्शन के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है, मिनिमम नेगेटिव करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। दे आर बुलेट पॉइंट्स, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, इजी है, मॉडरेट है, आप ही के क्वेश्चन हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कामली अटेम्प्ट करना है, पेशेंटली अटेम्प्ट करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ओएमआर सीट को अच्छे से फिलअप करना है। डोंट बी सो मच, वहां पे बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आपको नहीं रहना है ओएमआर सीट फिलिंग करने के टाइम पे, बिकॉज इट विल बी द मैक्सिमम एंड क्रूशियल पॉइंट जहां बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, पूरा का पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी पे। ओके मैम, यहाँ के क्वेश्चंस इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, हार्ड भी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो 15 गिवन है, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 10, 10, 10 करने हैं। मान लो आपको नहीं आता, या फिर कुछ चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर उन बच्चों की बात करें जिन्होंने 12th में बोर्ड के हिसाब से कुछ चैप्टर्स उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, देन आप क्या कर सकते हो, उन सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। एंड आप क्या करोगे, मान लो कि सपोज दैट आप बॉटनी सेक्शन से, जूलॉजी सेक्शन से स्टार्ट करते हो, तो सपोज दैट यहाँ पे 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कितने, 5 करेक्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, ये इजी है, मॉडरेट है, एवरेज है, आपको स्मार्टली इसको चूज करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं तो छोड़ दो, कंसेप्ट बहुत ही दिक्कत होती है यार, समझ में नहीं आता यार, चैप्टर तो हमेशा रुलाता है, छोड़ दो यार। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है लेकिन उसका लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, छोड़ दो, लीव इट, आपको स्मार्टली क्वेश्चन चूज करने हैं, स्ट्रेट और आसानी से सॉल्व हो जाने वाले, है ना। अब इस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को छोड़ दिया, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, तो कितने मार्क्स हो गए भाई, तो 20 + 20 = 40 मार्क्स तो यही हो गए, है ना, 40 बायो से आ गए भाई, तो 600 तो यही जुड़ रहे हैं,
ये मिनिमम है, आई नो यू कैन डू मोर देन दिस, आपकी एफिशिएंसी, आपका पोटेंशियल इससे कई गुना ज्यादा है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अरे बहुत बुरा है यार, बहुत बुरी हालत है, फिर भी 5-5 चलो मिनिमम रखते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन इधर से, कितने मार्क्स हो गए, 40 और ले आओ भाई, आ गया टोटल 640, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द नीट, डोंट गेट अपसेट, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नीट ने आप NTA ने, नीट ने नहीं भाई है ना, नीट एग्जाम आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। व्हाट यू हैव टू डू, बस अपने आप को बहुत ही अच्छे से काम रखो, अच्छे से पेशेंटली क्वेश्चंस को पढ़ो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, एंड किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, किस तरीके से OMR सीट भरना है, इन सारी बातों का प्रॉपर ध्यान रखो। जब यहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो गिवन टाइम इंटरवल में, है ना, ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, जैसे सपोज दैट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे मेडिकल कॉलेजेस में, उन्होंने भी ऐसी मिस्टेक्स करी है, उन्होंने क्या किया भाई, नहीं हम तो डेट लेके गए हैं कि 1 घंटे में खत्म करेंगे पूरी बायोलॉजी, है ना, तो भाई बहुत पहले ही खत्म हो गया, 1 घंटे के पहले ही खत्म हो गया, इजी क्वेश्चन थे मैम, तो हमने क्या किया, फिर से रीडिंग लगाना चालू किया और क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, डोंट बी ग्रीडी, है ना, डोंट बी ग्रीडी, मैंने एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ग्रीडी नहीं बनना है, आपके पास टाइम बच गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन क्वेश्चंस में आप दिमाग लगाना चालू कर दो जो आपके लिए आपकी कैपेबिलिटी से बाहर, आपके पोटेंशियल से बाहर है, अदरवाइज इट विल डू मच मोर हार्म रादर देन बेनिफिट, ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ लग जाओ तैयारी पे, कर दो क्रैक नीट को, और एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एक सीट को सिक्योर करो, ओके, फिर मिलते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।